तो आज के वीडियो में मैं आपको डिवाइस बाय डिवाइस बताऊंगा ओप्पो के कौन कौन से स्मार्टफोन में हमें फरवरी 2022 में न्यू बिट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, या फिर इन फ्यूचर ओप्पो के कौन कौन से डिवाइस में हमें कौन सा बिट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कलर स्टॉल का सपोर्ट हमें कौन सी डेट को देखने को मिलेगा, या फिर कौन कौन से डिवाइस में देखने को मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के साथ में। फिर हो सके तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के थ्रू आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एजुमेनो, फायदा आपको पता होगा ओप्पो के काफी सारे स्मार्टफोन में हमें एक न्यू बिट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए आपको आना होगा अपने फोन के सेटिंग में, फिर आपको सिक्योरिटी पे टैप करना होगा, फिर आपको गूगल प्ले सिस्टम पे टैप करना होगा, यहाँ पे आपको एक न्यू बिट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हमारे फोन में यह बिट 597 KB के फास्ट में देखने को मिल रहा है। अगर आपके फोन में यह बिट नहीं मिला तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपके फोन में न्यू बिट देखने को मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे काफी सारे स्क्रीनशॉट शेयर हुए हैं जिनके फोन में हमें न्यू बिट देखने को मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे अवेलेबल पड़े हैं। अभी इसको अपडेट करने के लिए सिंपल सा सिक्योरिटी एंड गूगल प्ले सिस्टम में आओ, डाउनलोड इंस्टॉल पे आप टैप करो, ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। किसी के फोन में 28 MB, किसी के फोन में 30 MB, किसी के फोन में 50 MB के साथ में फिलहाल ये बिट प्रोवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये बिट जब डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे बताया जाएगा रीस्टार्ट टू अपडेट योर डिवाइस नेट टू रीस्टार्ट टू कंप्लीट द अपडेट। अब यहाँ पे आपको रीस्टार्ट पे टैप करना होगा, तो यहाँ पे आपका फोन फिर से ऑफ होगा एंड फिर ऑटोमेटिकली ऑन होगा, फिर आपका फोन न्यू वर्जन में अपडेटेड हो जाएगा। हालांकि ये हमें गूगल की तरफ से ऑफिशियली अपडेट प्रोवाइड हुआ है, हमारे फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट में जो अपडेट देखने को मिलता है वो हमें ओप्पो इंडिया की तरफ से प्रोवाइड होता है। अगर हमें यहाँ पे ये अपडेट देखने को मिला तो वो हमें गूगल की तरफ से प्रोवाइड हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्ले सिस्टम अपडेट। अब यहाँ पे हमें सब कुछ डिटेल के साथ में बता दिया गया। सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है हमारे फोन में डिसम्बर का रन करा है, जो कि हमने यहाँ पे चेक करके देखा। अब यहाँ पे इसको अपडेट करने के लिए रिस्टार्ट पे टैप करना होगा, उसके बाद हमारे फोन में न्यू वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही साथ हमने बात किया था कलर स्टॉल के बारे में, तो यहाँ पे 22 फरवरी 2022 को ओप्पो रेनो 5F, रेनो 4F, ओप्पो F19 Pro एंड ओप्पो F17 Pro डिवाइस में हमें एंड्राइड 12 के साथ में कलर स्टॉल का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 28 फरवरी 2022 को रेनो 4 Pro एंड रेनो 4 डिवाइस में हमें एंड्राइड 12 के साथ में कलर स्टॉल का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना होगा, फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट अब यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको टैप करना होगा, फिर आपके फोन में ट्रायल वर्जन का फोन मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे अभी नो टेस्ट वर्जन अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। जब यहाँ पे आपके फोन में कलर स्टॉल का बीटा वर्जन अवेलेबल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कलर स्टॉल का बीटा फॉर्म देखने को मिल जाएगा, तो आप कलर स्टॉल के बीटा फॉर्म को फिलअप करके अपने फोन में कलर स्टॉल के अपडेट को ग्रैब कर सकते हो। फॉर्म को फिलअप करने के विद इन 2 और 3 डेज के पहले पहले आपके फोन में कलर स्टॉल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपके फोन में गूगल का न्यू अपडेट मिला या फिर नहीं मिला। अगर ये अपडेट आपके डिवाइस में नहीं मिला तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे आप टैप करेंगे, फिर आपके फोन में न्यू वर्जन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ओप्पो के लगभग लगभग सभी स्मार्टफोन में हमें न्यू अपडेट्स देखने को मिले हैं, तो आपके भी फोन में न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा। वैसे आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म जरूर शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे हम अपने फोन को रीस्टार्ट पे टैप करेंगे, हमारा फोन न्यू वर्जन की फास्ट में अपडेटेड हो जाएगा। एनीवे ये वीडियो आपको कैसे लगी आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।